दोस्तों हम ट्रैक एंड टेक पे वीडियोस स्पेसिफिक पर्पस के साथ हमेशा करते हैं, बिकॉज ये जो चैनल हमें चालू किया था ना, दैट वाज फॉर प्रिसाइजली दैट वन रीजन कि आप अगर कोई स्मार्टफोन लेते हो तो आपने परफेक्ट स्मार्टफोन लेना चाहिए, एंड स्मार्टफोन लेने के बाद उसके ऊपर बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपने करनी चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे दोस्त हैं मेरे, सब इस्तेमाल करते हैं, महंगे स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, बट दे डोंट यूज इट इफेक्टिवली। लिटरली जो स्मार्टफोन उनके लिए 100 चीजें कर सकता है उनमें से वो 15 या 20 चीजें भी नहीं यूज करते हैं। यस, दैट इज द रीजन हम ये एजुकेशनल वीडियोस करते हैं, एंड दिस इज पार्ट ऑफ इट। ऐसे हम हमेशा हर साल में 2 या 3 वीडियोस करते हैं जहां पे हम एंड्रॉइड के टिप्स, आईफोन के टिप्स वगैरह बताते हैं। अभी भी दोस्तों परसों मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, क्या ये फीचर इस्तेमाल किया है? हाँ मुझे पता है लेकिन यूज नहीं होता है। ऐसे जो फीचर्स होते हैं ना, लिटरली आप एक दो बार इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद में आपको उसकी यूटिलिटी पता चलती है। पता होता है बट यूज नहीं करते हैं। अब मैंने 10 अलग अलग टिप्स गैदर किए हुए हैं जो मेरे हिसाब से एवरीवन शुड यूज इट। एटलीस्ट जो पहले 4 या 5 है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से देखिए, ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आते हैं, लोग रिपीटेडली मल्टीपल वीडियोस देखते हैं ट्रैक एंड टेक के, बट सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ताकि जैसी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यस, चलिए वैसे इसके ऊपर और एक सीरीज हम करने वाले हैं, एआई की सीरीज, क्योंकि अब एआई के फीचर्स बढ़ने ही वाले, सब ब्रांड स्पेसिफिक एआई फीचर्स जो है उनके ऊपर वीडियोस करने वाले, उनके लिए जरूर रुकिएगा। बट नाउ लेट अस स्टार्ट विद 10 टिप्स व्हिच यू शुड नो। सबसे पहले दोस्तों, अब देखो जब मैं ये पहले बोलूंगा ना, आप कहोगे कि हाँ मुझे तो पता है, बट आपने यूज कितने बार किया ये आप पूछिए। क्विक शेयर फॉर एग्जांपल, क्विक शेयर जो है ना, अब सिर्फ एक फाइल ट्रांसफर फ्रॉम यू नो ब्लूटूथ में आप होंगे, उसी एरिया में होंगे, एक दूसरे फोन पे ट्रांसफर करना है, उसके लिए आपने इस्तेमाल किया है, बट दिस इज मोर देन दैट। जी हाँ, ये सिर्फ फाइल ट्रांसफर नहीं है, यू कैन एक्चुअली, जब आप साथ में भी नहीं होते हो, सेम नेटवर्क पे भी नहीं होते हो, फिर भी आप फाइल शेयर कर सकते हो, वो भी 10 GB तक विद क्विक शेयर। कितने बार आपने उस नेटवर्क पे नहीं है या साथ में नहीं है और आपने वो फाइल ट्रांसफर किया हुआ है? नहीं किया हुआ है। 10 GB तक फाइल ट्रांसफर कर सकते हो। तो अगर आपके पास 1 GB की फाइल है, किसी को आपको शेयर करना है, ही इज नॉट विथ यू, तो आप क्या करोगे? जी हाँ, वो एक लिंक जनरेट करता है। अब याद रखिए, ये सिर्फ सैमसंग में आया हुआ है, बट क्विक शेयर अब रोल आउट बहुत सारे दूसरे फोन पे भी हो रहा है, सिमिलर फीचर्स भी आ रहे हैं। तो एक लिंक जनरेट करना है जो आपको शेयर करना है। तो पहले हम अलग अलग थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते थे, अब उसकी जरूरत नहीं है। सीधा फोन के ऊपर से क्विक शेयर के थ्रू आप बड़े बड़े फाइल्स लोगों के साथ ट्रांसफर कर सकते हो। डिड यू नो दैट? अब ये जो है ना अगला फीचर, ये मेरे हिसाब से अगर थोड़े एडवांस्ड आपको चीजें करनी है फोन के ऊपर, देन इसका फायदा होगा, और मैं एग्जांपल भी देने वाला हूं। फोर्स एक्टिविटीज, ये डेवलपर सेटिंग्स में जाके आपको ये ऑन करना पड़ता है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप मल्टीटास्किंग करते हो, स्प्लिट स्क्रीन करते हो, बट अभी स्प्लिट स्क्रीन जब करोगे तो 50-50% 50% ऊपर का, 50% नीचे का स्क्रीन आ जाएगा, आप वो चेंज नहीं कर सकते हो एस्पेक्ट। बट जब फोर्स एक्टिविटीज करते हो तो आपको नीचे का जो विंडो है वो थोड़ा बड़ा करना है, 70% या 80% करना है, ऊपर का सिर्फ 20% करना है, वो आप रख सकते हो। ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, ये थोड़ा एडवांस फीचर है, बट अगर आपको ऐसी चीजें जरूरत है तो जरूर जाके डेवलपर सेटिंग में जाके फोर्स एक्टिविटीज कीजिए, एंड यू कैन। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसी बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। और एक चीज, ये तो डेफिनेटली कहेंगे अरे मुझे पता है, लेकिन क्या आपने इस्तेमाल किया है उसे? मिरर्ड सेल्फी। जी हाँ, आप जब सेल्फी निकालते हो, अगर उसके ऊपर कोई टेक्स्ट होगा, पीछे कुछ बोर्ड वगैरह होगा, तो सब टेक्स्ट उल्टा दिखेगा अगर आपने मिरर्ड सेल्फी नहीं की है तो। जनरली फोन्स में आउट ऑफ द बॉक्स मिरर्ड सेल्फी का जो ऑप्शन होता है वो ऑफ होता है, वो जाके ऑन कीजिए। जी हाँ, तो वो टेक्स्ट वगैरह जो है वो भी सब कुछ क्लियर दिखेगा, आपका भी जो उल्टा आता है, मिरर टाइप आता है, वो नहीं आने वाला है। सो डू दैट, गो एंड डू दैट। कितने वैसे कमेंट्स में जरूर बताएगा कि मिरर सेल्फी का ऑप्शन कितने लोगों ने ऑन करके रखा हुआ है। अब ये जो अगला फीचर है ना, ये जब पहली बार आया था तो मैंने भी उसे कहा था कि नहीं यार, मैं ज्यादा इसे इस्तेमाल नहीं करने वाला हूं। बट सर्कल टू सर्च जो है ना, ओ माय गॉड, इट एज लिटरली वन ऑफ द हाईएस्ट यूज्ड एआई फीचर मेरे हिसाब से। मैंने पिछले साल में सर्कल टू सर्च इस्तेमाल किया, इट इज यूजफुल। ऐसे स्मार्टफोन्स में कितने बार होता है कि हमें कुछ पता करना होता है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उधर का जो मोबाइल नंबर है वो आपको सेव वगैरह करना है। अब सर्कल टू सर्च धीरे धीरे बढ़ रहा है। अभी सिर्फ ऐसे नहीं है कि जो भी चीज आप उसको दिखाओगे उसके गूगल सर्च रिजल्ट नीचे देगा, नहीं। अब दोस्तों आपको कोई यूआरएल कॉपी करनी है, एक ब्रोशर है उधर से यूआरएल कॉपी करनी है, या आपको एक फोन नंबर कॉपी करना है, वो भी आप कर सकते हो। अब कुछ कुछ फोन में ये जो नेक्स्ट वर्जन है वो रिलीज हुआ है और किसी किसी में नहीं हुआ है, बट सर्कल टू सर्च इस्तेमाल कीजिए जहां पॉसिबल है, एंड वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट आपको उसकी
यूटिलिटी पता चलेगी। जी हाँ, बहुत फायदा होता है, डेफिनेटली यूज कीजिए। और ये जो सर्कल टू सर्च है, इसमें फीचर्स ऐड होते ही जाने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। या कुछ भी चीजें आपको करनी है, आप सर्कल टू सर्च पे डिपेंडेंट होंगे आने वाले दिनों में। देखिए, आप यूज तो करके देखिए। अब ये एक चीज इज सो इंपॉर्टेंट फॉर योर सिक्योरिटी, आपका जो फोन का सिक्योरिटी, उसके लिए पूछेगा मत। परमिशंस, ये मैं हर एक, मतलब पिछले 4-5 सालों में हमने ऐसे एंड्रॉइड टिप्स के बहुत सारे वीडियोस किए, और हमेशा मैं कहता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग करते नहीं है। आप खुद से पूछिए कितने बार आपने जाके परमिशन रिव्यू किया हुआ है। हमेशा रेगुलरली रिव्यू कीजिए, आपके परमिशंस मैनेज कीजिए। क्योंकि क्या होता है पता है, बहुत बार हम कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं, लोकेशन, लाइव लोकेशन का एक्सेस, यू नो इट इज नॉर्मल, अलाउ 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 कर देते हैं, पर उसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस, बैटरी, ये सब चीजें अफेक्ट होती है। अगर आपके फोन का परफॉर्मेंस या बैटरी, अगर आपने 6 महीने इस्तेमाल किया है, नया होगा तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी बैटरी लाइफ कम हो गई है, परफॉर्मेंस कम दे रहा है, वन ऑफ द रीजंस विल बी कि परमिशंस बहुत सारे ऐप्स को आपने बहुत सारी दे दिए, एंड इट इज सकिंग आउट योर परफॉर्मेंस, सकिंग आउट योर बैटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज रेगुलरली जाइए, मैनेज कीजिए। प्राइवेसी के लिए इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बैटरी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग। सोचिए ना, किसी ऐप को आपने आपके माइक्रोफोन का एक्सेस दे दिया, और एक बार आपने इस्तेमाल किया वो ऐप बैकग्राउंड में, लेकिन वो हमेशा उसको माइक्रोफोन का एक्सेस मिल गया, तो सोचिए क्या हो सकता है। सो प्लीज, एक तो जो भी ऐप आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अगले 3-4 महीनों में मुझे नहीं लगने वाला है, उसे अनइंस्टॉल कीजिए। दूसरी चीज, अगर अनइंस्टॉल नहीं करना है तो परमिशंस जाके रिव्यू करना मत भूलिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली। अब ये जो नेक्स्ट 4 फीचर्स मैं बताने वाला हूं, ये कुछ कुछ यूज केसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऐप पिनिंग। अब बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, अपने बच्चों को फोन्स देते हैं, बट डर ये हमेशा लगा रहता है कि यार मैंने एक चीज के लिए दिया है, और कुछ वो करेगा तो क्या हो जाएगा। ऐसे में ऐप पिनिंग का इस्तेमाल कीजिए। अब ऐप पिनिंग क्या होता है, आप जब फोन दोगे, अगर आपके बच्चे को यूट्यूब ही आपको दिखाना है, तो यूट्यूब को पिन करके रखिए। इसका मतलब वो इधर उधर जाएगा नहीं, कुछ और एक्सेस नहीं करेगा, गैलरी में नहीं जाएगा, इधर नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा, जो चीजें आपको दिखानी नहीं है यूट्यूब पे ही रहेगा। मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, दोस्तों को देना है एक ही चीज, उसे इस्तेमाल करनी है, वो ऐप जो यूज करना है वो पिन करके दे दीजिए, टेंशन नहीं, बाकी कुछ भी वो हाथ नहीं लगाएगा, कुछ भी नहीं करेगा आपके स्मार्टफोन के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज जो परेशान करती है सब लोगों को, मुझे भी, नोटिफिकेशन। स्नूज कीजिए आपके नोटिफिकेशन, जैसे अलार्म को आप स्नूज करते हो ना, वैसे ही। और जब टाइम मिलेगा, जब उठने का वक्त होता है तो आप अलार्म बंद कर देते हो, वैसे ही जब आपको टाइम मिलेगा, सब नोटिफिकेशन आपको पढ़ने, तब आप स्नूज निकाल दीजिए और नोटिफिकेशन आपकी पढ़िए। अब इसमें 2 चीजें हैं। नोटिफिकेशन इज इरिटेंट, बार बार टिंग टुंग टांग टिंग होते रहता है, और हम जो भी काम कर रहे हैं, हमारा जो फोकस है वो हिल जाता है। सो उसके लिए स्नूज नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज ऐसी भी होती है ना, क्यों हम करते हैं पता है, हम बंद नहीं करते नोटिफिकेशन, यू डोंट want to miss out on anything, तो उसके लिए और एक फीचर है, जी हाँ, नोटिफिकेशन हिस्ट्री। कितने लोगों ने नोटिफिकेशन में जाके नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखी हुई है। ऐसे बहुत बार होता है कि कोई आपको कोई मैसेज या कुछ चीज भेजता है, उसका नोटिफिकेशन आता है, लेकिन वो अनसेंड कर देता है और फिर से आ जाता है। अब अगर आपको वो देखना है, तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आपको जाना पड़ता है, एंड यू विल बी एबल टू सी इट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो है वो अनेबल कीजिए आपके सेटिंग्स में जाके, ताकि यू विल नॉट मिस आउट ऑन एनी नोटिफिकेशन। मतलब तब आपको देखना नहीं है, लेकिन आपको टेंशन फ्री कि हाँ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, तो वो मिस नहीं होगा। सो नोटिफिकेशन हिस्ट्री। और नोटिफिकेशन हिस्ट्री की और एक चीज बता दूं, एंड्रॉइड 11 के बाद जो भी वर्जन आए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड में होता ही है, तो नियरली 90-95% लोगों के पास नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, तो वो ऑन कीजिएगा। थर्ड पार्टी एप्स भी ऐसे बहुत सारे फीचर्स देते हैं कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री रखेंगे, मत इस्तेमाल कीजिएगा। नोटिफिकेशन जो है, आपको पता है, मतलब किसी और को एक्सेस मिल गया तो क्या हो सकता है उसका। सो या, एंड फाइनली दोस्तों, बेड टाइम मोड। यस, अब हमारे इधर सब यंग लोग हैं दोस्तों, रात को जाते हैं सोने से पहले फोन चालू करते हैं, देखते रहते हैं इंस्टाग्राम रील्स वगैरह। 2-3 चीजें होती है उसकी वजह से। एक तो आपके आंखों को परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। दूसरी चीज, टाइम का पता नहीं चलता है, 11 बजे चालू किया, हो गया आधा घंटा मैं देखूंगा, एंड देन नहीं, 2-2 बज जाते हैं, यू नो यू आर जस्ट इन्वॉल्व इन स्वाइपिंग अप। तो अगर आपके आंखों को वगैरह परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको लगता है कि यू नो स्ट्रेन होती है, आंखें ड्राई हो जाती है, तो बेड टाइम मोड ऑन कीजिए, ताकि इट टेक केयर, वो ब्लू स्क्रीन फिल्टर वगैरह जो होता है वो सब वो ऑन करेगा, यू नो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। इसमें भी 2 चीज है, एक तो ऐसा फोन देखिए जिसमें PWM डिमिंग जो होता है वो होगा, उसकी वजह से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और दूसरी चीज, इसके साथ आपका जो डिजिटल वेलबींग है, उधर लिमिट कीजिए आपके स्क्रीन का टाइम, स्पेशली इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह जो होता है ना, 1 घंटे से ज्यादा मैं दिन में इस्तेमाल नहीं करने वाला, ऑटोमेटिकली
आपको पता चल जाएगा. एटलीस्ट यू नो आपने जाके कुछ इंपॉर्टेंट देख रहे हो तो आप बंद कर सकते हो एंड देन यू कैन सी इट, बट एटलीस्ट आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि भाई देख रहे हो ज्यादा, वार्निंग दे देगा वो एंड यू विल बी एबल टू यू नो रिस्ट्रिक्ट योर यूसेज. बट ये बहुत मुश्किल है मुझे पता है. जी हाँ, मेरे साथ भी वही होता है, मैं भी ये सब करता हूँ बट फिर भी जब देख रहा हूँ ना, अरे और देखना है और देखना है, मत कीजिए वो सब मत कीजिए. ऑलराइट, ये सब रैप करने के लिए एक थर्ड पार्टी ऐप मैं आपको बताने वाला हूँ. टाइम वाइज इसेंशियली स्पॉटिफाई रैप होता है, यूट्यूब का ईयरली रैप होता है कि वो बताते हैं आपने क्या किया है, कितने सॉन्ग्स आपने सुने, कितने घंटे तक सुने. ऐसे ही कुछ आपने आपके स्मार्टफोन के ऊपर क्या किया है, कितने बार अनलॉक किया है, कितने बार ये ऐप देखा है, कितने घंटे तक यूज किया है, ये सब आपको ईयरली वो दे देगा. टाइम वाइज नाम है आपका ऐप का और मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाके देखिएगा. वैसे यू नो आई हैव अ क्वेरी, आपका स्क्रीन टाइम कितना है, जाइए देखिए आपके फोन में और नीचे कमेंट कीजिए. लेट्स सी कितना, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 2 घंटा, 40 मिनट, जो भी है बताइएगा जरूर. जी हाँ, यही थे कुछ 8-10 मैंने जो टिप्स बताए हुए हैं. आई होप यू हैव लाइक्ड इट. जैसे मैंने कहा दोस्तों कि सिर्फ हार्डवेयर परचेज डिसीजन में ही हमको आपको हेल्प नहीं करनी होती है, बट ऑल्सो स्मार्टफोन लेने के बाद आपने क्या क्या करना चाहिए उसके लिए भी हम बहुत ज्यादा वीडियोस करते हैं. इनफैक्ट दैट इज आर विजन, दैट इज आर फोकस. सो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है, आपको और भी ज्यादा जानना है टेक के बारे में, स्पेशली स्मार्टफोन्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सब्सक्राइब अभी भी मत भूलिएगा, भूल गए होंगे तो रिमाइंड कर दे. चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ.